चल रहा है 60-40 चलता कि नहीं चलता, ये सवाल ही सीधे सरकार से पूछी है, जान लेते हैं जवाब क्या मिला आपको। 60-40 ही चलता। देखिए आप लोग सब जानते हैं कि ये सवाल इसलिए हम किए हैं क्योंकि बहुत तरह का इस तरह के बात सामने आ रहे थे, तो हम चाहते थे कि इसका जवाब सरकार की तरफ से भी आ जाए तो स्पष्ट हो जाएगी चीज़ें। और जो जवाब आई है वो आप लोगों को हमने प्रेषित कर दिया है, आप लोगों को अखबार के भी माध्यम से सारा चीज़ बता दिया है, पूरे डिटेल में विस्तृत जवाब आई है और हम उसका कॉपी आपको दे देते हैं। नहीं नहीं तो क्या है एक बार बोल तो दीजिए। देखिए उसमें 60-40 का तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है, 60-40 का कोई बात नहीं है जो सरकार की तरफ से साफ स्पष्ट बोला गया है। और अभी जो भी विसंगतियाँ हैं वो इसलिए भी है क्योंकि जो नियोजन नीति रद्द हुई है और वो रद्द करवाया गया है, जो बीजेपी के जो लोग हैं जाके वहाँ पे हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिए उसको, तो वो किसी तरह से रद्द हो गया है। लेकिन अभी उस विसंगतियों को ठीक करने के लिए लगातार लगी हुई है सरकार, और अभी जितनी भी नियुक्तियाँ होनी है। अब जवाब जिलेबी की तरह सीधा कर रही है, आज सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया है आपको, आप दर्शकों को गुमराह कर रही हैं। हमने पूरा वो जवाब को सोशल मीडिया में डाल दिया है, आप जवाब देख सकते हैं, और जवाब उसमें कोई घुमा फिरा के नहीं, स्पष्ट जवाब है। तो सरकार ने तो कहा है कि हम 40% मेरिट पे लेंगे। देखिए मेरिट पे ज़रूर लिखा है, मेरिट पे लेंगे और उस पर आगे भी सरकार, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने गए थे। देखिए अधिकारियों का जवाब से हम संतुष्ट नहीं होते, और ये जो अधिकारियों का जवाब था उसमें कई तरह की विसंगतियाँ थी, ये जवाब साफ सुथरा मतलब ये सही जवाब नहीं था। और इसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस पे जो जवाब आया वो हम सारा आप लोगों को बता चुके हैं। सरकार का ही जवाब होता है, विधायक का जवाब वो आप जानते हैं कि विधानसभा में हम लोग खड़े होकर उस जवाब का विरोध करते हैं जो हम लोग विधानसभा में संतुष्ट नहीं होते। क्या चाहते हैं, कैसा नियोजन नीति हो? नियोजन नीति होना चाहिए जो यहाँ के मैक्सिमम लोग को उसमें भागीदारी हो, 90% लोगों को यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए कि वो उनको एकोमोडेट किया जाए पहले। यहाँ की परिभाषा क्या होगी? यहाँ की परिभाषा जो यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए, यहाँ के जो युवा हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट, अभी देखिए कई फिजिकल एजुकेशन के लोग छूट गए, तो ऐसे कोई लोग छूटने नहीं चाहिए। खतियान आधारित लोगों यहाँ के खतियान के लिए, तो जब तक ये विधेयक पास नहीं होगा विधानसभा से, क्योंकि विधेयक पास होके चला गया राजभवन से वापस आ गया, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि किस लिए विधेयक वापस लौट गया है तब तक तो वो लागू नहीं होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।